वहाँ उन्होंने बैठा बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसता है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी कह रहे धो के ले गया। क्या इसी के लिए केजरीवाल साहब को पुलिस चाहिए थी? एक राज्य की पुलिस मांग रहे थे ना केजरीवाल साहब, इसीलिए मांग रहे थे। और ये टोटल गुंडा कर दिया। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको अगर अरेस्ट करना है तो पहले आप उसको इंटीमेशन लोकल पुलिस को देंगे, तो बिना लोकल पुलिस को इंटीमेशन दिए ये गुंडागर्दी जो है पंजाब पुलिस ने की है। सर हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी, तो अचानक ये दो पुलिस वाले आए जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके, वो आके बैठे हैं। बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है, आगे आते हैं इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए उन्होंने बैठा बातचीत की, बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसता है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी कह रहे धो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुँह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। तो क्या पता चला था आपकी, क्यों लेकर गए हैं, क्या जानकारी मिली? अब ये तो वो बताएंगे, ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है, केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है, केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी, केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो अभी पता चला कि कहां पर लेकर गए हैं या कुछ नहीं अभी यहां पर इकट्ठे हुए हैं तो कुछ जानकारी मिली पुलिस से? नहीं, वो पुलिस सर्च कर रही है। दिल्ली पुलिस से कोई हाँ, नहीं दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं थी, दिल्ली पुलिस को भी उन्हें सूचना उठाने के बाद दी है। देखिए ऐसा है कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस के 40-50 लोग आए अनऑफिशियली, उन्होंने आके बग्गा जी के घर पे घुसे और बग्गा जी के घर घुसने के बाद उन्होंने जबरदस्ती करके उनको निकाला और पकड़ा और ये टोटल गुंडा कर दिया। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको अगर अरेस्ट करना है तो पहले आप उसको इंटीमेशन लोकल पुलिस को देंगे और पंजाब पुलिस के 3 लोगों को जनकपुरी पुलिस ने रोक भी रखा है, हमने भी इस जगह का घेराव कर रखा है ताकि वो यहाँ से निकल ना सके। क्या इसी के लिए केजरीवाल साहब को पुलिस चाहिए थी? एक राज्य की पुलिस मांग रहे थे ना केजरीवाल साहब, इसीलिए मांग रहे थे, इसीलिए आज सन्नाटा है ना, क्योंकि बीजेपी के एक वर्कर को उठा के ले गए हैं। बीजेपी का वर्कर उठा इसलिए कोई लुटियन में नहीं बोल रहा, बीजेपी के वर्कर को ले गए इसलिए कोई आज स्क्रीन काली नहीं होगी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने पर पुलिस डंडा मारेगी, बुजुर्ग बाप को मारेगी, फोन छीन लेगी, उठाकर गुमनाम जगह पर ले जाएगी। यही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस।